अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कमल किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है बड़े मज़ेदार सी कैरमल क्रंच आइसक्रीम। तो इसको घर में बनाना बहुत इजी है, आप बनाएं घर में इसको। और इसके लिए मुझे किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है 250 ग्राम, चीनी 1/2 कप, क्रीम 4 टेबल स्पून, ये अलग से रखिए, और पानी मैंने ले लिया है 1/4 कप, और यहाँ अलग चीनी रखी हुई है जिससे हम कैरमल क्रंच बनाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि क्रीम जो है बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। और सबसे पहले हम कैरमल को बनाएंगे। अब एक पैन में मैं ये 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ और उसमें 1/4 कप पानी। तो ये देखें चीनी डिजॉल्व होने लग गई है। तो ये देखें कैरमल तैयार है। अब इसका मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। और इसमें जो ये मैंने क्रीम अलग से रखी थी इसको डाल के अच्छी तरीके से हल कर लूंगी। तो ये देखें अच्छी तरीके से मिक्स हो गए। अब मैं फ्लेम ऑन करके इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। बस अब ये रेडी है, इसको मैं किसी बाउल में निकाल लेती हूँ। अब इसके बाद मैं इसका क्रंच तैयार कर रही हूँ। तो पैन में मैं ये चीनी डाल देती हूँ, इसमें बिल्कुल पानी ही नहीं डालना है। स्लो फ्लेम पे इसको पकने देना है, ये खुद ही कैरमलाइज हो जाएगा, इसका क्रंच हम तैयार करेंगे। तो देखें चीनी मेल्ट होने लगी है। तो ये देखें ये कैरमल बनना शुरू हो गई है, ये तैयार है। अब इसको मैं किसी प्लेट में निकाल लूंगी, प्लेट में पहले से ऑयलिंग कर लूंगी। बस अब इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं और अब हम अपनी आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। चलें अब क्रीम को बीट करते हैं। हमें इसको इतना बीट करना है कि ये अपने साइज में डबल हो जाए। तो ये देखें इसको इतना बीट किया है कि ये अपने साइज में डबल हो गए, और ये देखें इस स्पैचुला से गिर भी नहीं रही है। तो हमें इतना ही बीट करना था। और अब आहिस्ता आहिस्ता में ये जो कैरमल क्रीम बना के रखी थी वो डालना है। एक साथ मत डालिएगा क्योंकि एक साथ डालने से नीचे जाकर बैठ जाएगी तो फिर सही से मिक्स नहीं हो पाएगी। तो हमें ये आहिस्ता आहिस्ता डालना है ताकि ये मिक्स होता रहे अच्छे से। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है और अब बस इसको हम स्टॉप कर देते हैं। अब मैं इसको किसी एयरटाइट जार में डालूंगी। अब मैं इसमें ये क्रंच जो है बनाकर रखा था ये डाल दूंगी। अब किसी एयरटाइट डब्बे में इसको डाल देती हूँ। अब मैं इसको फ्रीजर में रख देती हूँ ओवरनाइट के लिए, आप 6 से 8 घंटे भी रख सकते हैं। तो ओवरनाइट फ्रीजर में रखने के बाद ये आइसक्रीम तैयार है। मैं आपको इसको खोल के और इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए
कितनी अच्छी तरीके से ये बन गई है। और अब मैं इसको मैं बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी बनी है ये, बिल्कुल क्रीमी और बिल्कुल बाज़ार जैसी। आप घर पे बनाएंगे तो बाज़ार की आइसक्रीम भूल जाएंगे। तो ये देखें, ये इसको मैंने बाउल में भी निकाल दिया। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी ये बनी है और घर में तैयार करना कितना आसान है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।